रामिश, हमारी जिंदगी का सवाल है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, अपना घर बनाना है। Just shut up, Naila. Just shut up. मेरी माँ को बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं? उन्हीं की वजह से तो आज हम दर बदर पड़े हैं। उन्हें अपनी औलाद तक की खुशियों का एहसास नहीं है। बहुत ही खुदगर्ज है तुम्हारी माँ। नाइला, अरे वाह वाह वाह, ये आज मेरी आंखें क्या मंजर देख रही हैं। सब लोग डिनर टेबल पे एक साथ, जबरदस्त। अगर आपको हमारा एक साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा तो हम माँ बेटी उठकर चले जाते हैं। आप अपनी बहू के साथ आराम से बैठ कर डिनर कीजिए और दिल की भड़ास भी निकालिए। आंटी, अंकल का ये मतलब नहीं था। तो मुझे मतलब मत समझाओ। इनका जो भी मतलब था मैं अच्छी तरह जानती भी हूं और समझती भी हूं। अरे सुमेरा, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो बेचारी पे। देखो, मुझे तो तुम्हें और सोनिया को यहां देख के बहुत खुशी हो रही है। सोचो कितने अरसे बाद हम सब यूं मिल के खाना खा रहे हैं। रोज यूं करें तो कितनी बरकत हो। अंकल, आप खाना शुरू करें। आओ। अच्छा होता अगर इस मौके पे कामरान भी आ जाता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। चलिए तो डैड आज इतने प्यासी को याद कर रहे हैं मुझे। अरे वंडरफुल भाई, अभी तुम्हारा नाम लिया, तुम आगे बड़ी उम्र है तुम्हारी। चलो अच्छा है, अगर आई गए तो बैठो बैठो, मैं मदद करें। क्या रखा है भाई? ओ बेटा, जहां तक याद करने की बात है तो याद तो मैं तुम्हें रोज ही करता हूँ, बस तुम्हें एहसास नहीं होता। जिस रोज एहसास हो गया उस दिन समझ जाओगे पाप हूं मैं तुम्हारा। खाना तो बेटा जी। मैं ले लूंगा, तुम क्यों तकलीफ करते हो? तकलीफ की क्या बात है, मुझे तो खुशी होगी, फर्ज है मेरा। चलो कामरान। बेटा ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? मुझे ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, आप हैं ना सब देखने के लिए। तो हूँ और मैं सारे मामलात देख भी रहा हूँ। बेटा तुम्हारे पे तो कुछ फर्ज है ना, पर जब तक ऑफिस नहीं आओगे तो सारे मामलात को समझोगे कैसे? मेरे तो ख्याल है बहुत हो गया, कुछ अपनी जिम्मेदारियां संभालो,
कुछ अपनी जिंदगी का एहसास करो। कब तक इन आवारा और ओबाश लड़के और लड़कियों के पीछे भागते रहोगे और अपना वक्त जाया करते रहोगे? Dad, you're talking about my friends. दोस्त हैं वो मेरे। आप उनके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? अगर सच कहूं तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, दुश्मन है तुम्हारे। कामरान, कामरान बेटे बात तो सुनो। नाराज कर दिया ना उसे? बात करने का भी कोई तरीका होता है। बेटे बात सुनो मेरी। सुनिया, तुम्हारे मामला भी मेरी आंखों से उजल नहीं है। अपनी तालीम पे तवज्जो दो। इस सेमेस्टर में तुम्हारा जीपीए बहुत बुरा आया। जी डैड। अंकल आप परेशान मत हो, ये सालों के उलझे हुए रिश्ते हैं, सुलझाने में कुछ वक्त तो लगेगा, मगर आप बेफिक्र रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने जो शुरुआत की है इसमें छोटी छोटी मुश्किलें तो देखना पड़ेंगी। जानता हूं बेटा, समझता हूं सब, लेकिन क्या करूं? अभी तक नाराज हो? नाइला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। नाइला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है। जानती हो सारा दिन मैंने कितनी मुश्किल से, कितनी अजियत से गुजारा। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की लेकिन तुमने एक फोन नहीं उठाया। मैंने तुम्हें सॉरी के मैसेजेस भी किए लेकिन तुमने एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। आपको क्या लगता है रामेश, आप बार बार सॉरी करेंगे और मैं हर बार हंसकर मुस्कुराकर आपकी सॉरी मान लूंगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आई एम सॉरी, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने शौहर के थप्पड़ को भी प्यार समझ कर कबूल कर लेती है। मैं नायला हूँ, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीती। अगर मैं अपनी खुशी के लिए, अपने फैसलों के लिए अपने बाप, अपने घर वालों को छोड़ सकती हूँ तो आप क्या हैं? नाइला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चीखे नहीं, चीखना मुझे भी आता है लेकिन मैं बिला वजह अपनी एनर्जी आप पे क्यों वेस्ट करूँ? ये क्या हो गया है तुम्हें, क्या बोलने जा रही हो तुम? वही बोल रही हूँ जो आप सुन रहे हैं। आप कितना बदल गए हैं रामेश। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगे और आपने
आपने मुझसे वो जॉब वाली बात क्यों छुपाई? कौन सी जॉब? वही जो इमरान ने ऑफर की। पिछले 4 दिन से उसका अपॉइंटमेंट लेटर आपके बैग में पड़ा है, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हें ये सब किसने बताया? बल्कि मैंने तो रामेश को आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया था। बोलो, तुम ये सब कैसे जानती? वो मैं मार्केट गई थी तो वहां इत्तेफाक से मुझे इमरान मिल गया, तो उसने मुझे बताया कि वो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे चुका है। क्यों फिर मेरे सर पे सवार रहती हो? मैं तो जूस लाई थी आपके लिए। दे दिया ना, अब जाओ। और वैसे मैंने तुम्हें कहा ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर में नौकर हैं वो सब कर लेते हैं। मेरे होते हुए मुलाजिम आपका काम क्यों करेंगे? मैं बीवी हूँ आपकी, आपकी खिदमत करना, आपके काम करना मेरा फर्ज है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं रामेश? आपने क्यों मुझसे ये बात छुपाई? मैं आपसे बात कर रही हूं रामेश, बोले जवाब क्यों नहीं देते? बात तुमसे छुपाने की नहीं है, मैं बस किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। कैसा फैसला रामेश? ये जॉब मैं हमारे लिए करना चाहती हूँ, हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए करना चाहती हूँ, अपना घर बनाना चाहती हूँ। आखिर कब तक हम किसी के दिए हुए घर में रहते रहेंगे? ये किसी का दिया हुआ घर नहीं है नाइला, मैं जॉब करता हूँ, 10 बंदों का काम करता हूँ इस घर के बदले में। तो क्यों करते हैं रामेश, मत करें? बिलीव मी रामेश, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त का तोड़ निकाल सकते हैं। प्लीज प्लीज मेरी जॉब करने को अपने अना का मसला मत बनाएं। अब तुम मुझे बताओगी क्या करना चाहिए क्या नहीं? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरे बाप ने मुझसे जबरदस्ती करवाया है, अब मुझसे और कोई फैसला करवाने का कोई हक नहीं है उन्हें। मां बाप का हक औलाद पर सारी जिंदगी तो क्या, आखिरी सांस तक कर्ज रहता है, इसीलिए उनके हर फैसले की अताअत करना औलाद पर फर्ज होता है, क्योंकि औलाद माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुका सकती। बंद करो अपना ये भाषण, बच्चा नहीं हूं मैं, सो स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, ओके? मैं जानती हूँ कि आपको मेरा इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर। काम के लिए माली तो है,
यश खुद शौक है पौधों से प्यार करने का। अंकल मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ पानी दे रही। देखिए कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। अच्छी बात है बेटा, अच्छा शौक है। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे ही खूबसूरत फूल खिले। अरे काम करो, बाजार से ले जाओ, शॉपिंग करो, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो। ये लो अंकल, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, तुम बहू हो मेरी, समझी? सकीना को देखती हूँ कैसे कपड़े पहनती है, स्पॉन्सर्ड बाय सोनिया। ऐसे तो इन बातों का ध्यान कामरान को रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल उससे ये उम्मीद नहीं है, और सुमैरा से तो कभी भी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए अपनी मदद आप करो, बाजार जाओ, अच्छी शॉपिंग करो, मैं ड्राइवर भेजूं। लो तो पकड़ो जी। अंकल वो मैं घर चली जाऊं, सबकी बहुत याद आ रही थी। अरे याद आ रही है तो जरूर जाओ, मिलके आ जाओ। बल्कि ऐसा करो, तैयार हो जाओ, मैं जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू अंकल, मैं बस अभी आती हूँ। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अम्मी क्या हुआ? अब किन सोचों में गुम है, परेशान लग रही हैं। आयला की याद आ रही थी, कितने दिन हो गए उसको देखे हुए, दिल उदास हो रहा है उसके बगैर मेरा। हाँ अम्मी कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, शादी के बाद एक बार आई थी, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए और फौरन चली गई। क्या आपके फोन पर बात नहीं होती? एक दो बार हुई है उससे बात मेरी, कह रही थी मसरूफ हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। अरे अम्मी तो हम ऐसा करते हैं, खुद चले जाते हैं। आपने तो वैसे भी उसका घर नहीं देखा, इसी बहाने उसका घर देख लेंगे, इतना बड़ा और प्यारा घर है उसका। अल्लाह उसे और नसीब करे। वैसे साकिब अंकल ने बड़ी करम नवाजी की है आयला पर, उन्होंने तो किस्मत बना दी आयला की, वरना ऐसे गरीब घरों की लड़कियों को कहाँ नसीब होते हैं इतने बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां। अरे आयला तुम? सलाम। वालेकुम सलाम। वैसे बड़ी लंबी उम्र पाई है तुमने। अभी अम्मी और मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। जिक्र अगर खैर का हो तो अच्छा। वरना आपसे किसी खैर की उम्मीद तो नहीं। अरे आयला, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है तुम्हारी सास तुम्हें बहुत प्यार करती है, तभी तो जाते ही मैके की याद भुला दी उसने। ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपको या अपने घर को भूल सकती हूँ? क्यों नहीं हो सकता? जब तुम्हारी जैसी लड़की की इतने बड़े और अमीर घर में शादी हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। खैर छोड़ो इन बातों को आयला, तुम अंदर चलो,
सारा तुम आइला के लिए चाय बना के लेकर लेकिन बेटा तुम अकेली क्यों आई हो? कामरान को भी साथ लेकर आती ना, शादी पर भी उससे सही से मुलाकात नहीं हुई। वो उन्हें कुछ काम था अम्मी, मैं अंकल के साथ आई हूँ। क्या भाई साहब? जी। तो अंदर बुला लेती ना उनको, बाहर से क्यों चले गए? अंकल को ऑफिस जाना था इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। आइला बेटा तुम खुश तो हो ना? जी अम्मी बहुत खुश हूं। इतने खुश के अपनी ही किस्मत पर रश्क आने लगता है मुझे। मेरी तरफ देखो, माँ की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। सच सच बताओ तुम खुश हो ना माँ? मैं सच कह रही हूं, मैं बहुत खुश हूं। वहां सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आंटी अंकल सोनिया सब लोग। और कामरान? बोलो आइला, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, तुम खुश हो ना वहां? आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, मैं वाकई बहुत खुश हूं। कामरान भी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आइला मैंने कहा ना कि माँ की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। शादी के बाद पहली नजर में एक माँ जान जाती है कि उसकी बेटी कितना खुश है। मुझे सच सच बताओ कि तुम खुश हो ना वहां? आइला मेरी जान, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे अब्बा से खुद बात करूंगी कि वो भाई साहब से बात करें। हमने उन पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उन्होंने हमारे साथ क्या किया? नहीं अम्मी, आप अब्बा से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। लेकिन बेटा तुम ऐसे शख्स के साथ कैसे रह सकती हो जो तुम्हें अपनी बीवी ही नहीं मानता? आज नहीं मानते तो कल मान जाएंगे।
अम्मी मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन कामरान मुझे जरूर अपना लेंगे और मुझे मेरा पूरा हक देंगे। ये भूल है तुम्हारी, ऐसे बिगड़े हुए लड़के कभी नहीं सुधरा करते। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाप की जिद ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मी प्लीज ऐसा मत कहे। अब्बा को क्या मालूम था कि मेरी किस्मत में ये सब लिखा है? इसमें किसी का कसूर नहीं, ना अंकल का ना अब्बा का, मेरी किस्मत में ये लिखा था और किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? टाल नहीं सकते, एहतियात तो कर सकते हैं ना। गलती तुम्हारे अब्बा की है, अंधा एतमाद किया उन्होंने। एक दफा भी उस लड़के से मिलना गवारा नहीं किया। मैं उनसे जरूर बात करूंगी। एक बेटी को तो खो दिया, दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती। अम्मी आपको मेरी कसम, आप अब्बा से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। वादा करें मुझसे, आप अब्बा से ऐसा कोई जिक्र नहीं करेंगी। अम्मी मैं नहीं चाहती कि अब्बा को कभी भी अपने किए हुए फैसले पर किसी भी किस्म का कोई पछतावा या शर्मिंदगी हो। ये रहा आपका ऑफिस, बैठिए। बैठिए बैठिए प्लीज। हाँ, और ये रहा आपका ब्रांड न्यू लैपटॉप, और ये आपका सेल फोन, मेरा असिस्टेंट आपको काम समझा देगा। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो तो मेरा ऑफिस बराबर में ही है, एनी टाइम यू कैन कम। वैसे तो रामेश भी यही है, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। क्यों रमेश? ओके, पर्सनल अकाउंट में इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन किसकी? सर ये कमल साहब की है। उसके अकाउंट में तो हर महीने अच्छी खासी रकम ट्रांसफर होती है, फिर ये क्या है? सर उन्होंने कुछ ये शॉपिंग की है क्रेडिट कार्ड से। किस किस्म की शॉपिंग की उसने? सर ज्यादातर लेडीज गारमेंट्स और गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग है। किसके लिए कर रहे हो ये शॉपिंग?
सर ये तो वही बता सकते हैं। कार्ड फौरी तौर पर फ्रीज करो। राइट सर। सर एक बात और कह रही जी बोल। सर कामरान साहब बेगम साहब के नाम पर भी काफी कैश ले जाते हैं। क्या क्या कह रहे हैं यार, कब से चल रहा है? सर मुझे ज्वाइन किए हुए 6 माह हुए हैं और ये सिलसिला मेरे आने से पहले से जारी है। आप मुझे आज बता रहे हैं। आइंदा उन्हें कोई भी रकम मुझसे पूछे बगैर भर दीजिएगा और ये कार्ड फौरन बंद करो। जी सर मैं अभी करवा रहा हूँ। जी जी क्यों नहीं, इस तरह की चैरिटीज में तो मैं खुद शौक से हिस्सा लेती हूँ। जब खुदा ने इतना दिया है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम गरीबों की मदद करें। बस आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अगर मैं नहीं भी आ सकी तो मैं चेक भिजवा दूंगी। खुदा हाफिज। ओफ खुदाया, अजीब ड्रामेबाजी लगा रखी है लोगों ने, जिसको देखो मुंह उठा के एनजीओ खोल के बैठ गया है। क्या हुआ तुम्हें, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जानती है ये क्या है? क्या है ये? डैड की विल का ड्राफ्ट, और इसके मुताबिक वो आयला आपकी बहू भाई के आधे हिस्से की मालिक है। क्या ये क्या कह रही हो तुम तो? खुद देख लीजिए, ना सिर्फ आधे हिस्से की मालिक बल्कि कामरान के हिस्से की गार्डियन भी है वो, और उसकी मर्जी के बिना किसी भी सूरत भाई ना तो अपना हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? साकिब ने तो इस सिलसिले में मुझसे कोई बात नहीं की। आई एम टेलिंग यू मॉम, ये लड़की बहुत चालाक है, इसने पूरी तरह से डैड को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मतलब अपनी औलाद से ज्यादा किसी गैर पर भरोसा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये लड़की तो हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं इसे आए हुए, और इसने साकिब को कैसे मुट्ठी में काबू कर लिया है? भाई को अगर ये बात मालूम हो गई तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं साकिब से खुद बात करूंगी। मैं अपने बेटे के साथ ये ज्यादती हरगिज नहीं होने दूंगी। अच्छा एला ये बताओ, तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई? अब तक तो वो तुम्हारे दीवाने हो गए होंगे, इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली है। दीवाना? हाँ ऐसे वैसे दिन रात मेरी मोहब्बत के कसीदे ही पढ़ते रहते, घंटों बैठ के मुझसे बातें करते, इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे कि एक मिनट भी मेरे बगैर रह नहीं सकते। बहुत मुश्किलों से ऑफिस जाना शुरू किया है उन्होंने, कहते हैं कि तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता। और तुम? मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता। आयला ये कामरान है ना?
फारूक साहब क्या बदतमीजी है, मेरे कार्ड में पैसे जमा नहीं कराए आपने, कार्ड बंद हो गया मेरा। नहीं सर, आपका कार्ड नॉन पेमेंट की वजह से बंद नहीं हुआ, बल्कि बंद कराया गया। व्हाट, किसने बंद करवाया? मैंने करवाया है ये कार्ड। क्या है ये सर, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन, इतनी बड़ी रकूमात की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई बोलो? और फिर क्रेडिट कार्ड मेरी शॉपिंग की है, मेरी शॉपिंग, गवर्नमेंट बच्चों की, रह रहे वो सब आयला के लिए तो कुछ। जो कर रहे हो बहुत गलत है। क्या कमी क्या है आयला में? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। मेरी पसंद नहीं है डैड, मैंने आपकी मर्जी आपकी इज्जत की वजह से उससे शादी की थी। आपकी पसंद है वो, इसलिए मुझसे उसके लिए किसी किस्म की मोहब्बत की उम्मीद मत करना। मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगा, जैसे जीना चाहूंगा मैं जीऊंगा। आप मुझ पर पाबंदी लगाने का हक खो चुके हैं डैड। मैंने आपकी बात मानकर आयला से शादी की, उसके बदले में आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी, हर कीमत। सुनो, ये भूल है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम आयला की आड़ में मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो तो ये महज तुम्हारी गलत फहमी है।